नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, गदर 2 के स्क्रीन काउंट के बारे में आज का वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि अब लगभग तय हो गया कि गदर 2 को कितने स्क्रीन मिलने वाले और ओ माई गॉड 2 को कितने स्क्रीन मिलने वाले है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गदर 2 के मेकर्स ये चाहते थे कि कम से कम फिल्म को 4,500 से 5,000 स्क्रीन केवल देश में मिले, केवल भारत में मिले। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा संभव होता नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ओएमजी 2 भी रिलीज हो रही है, तो वो भी अच्छे खासी संख्या में स्क्रीन लेके जाएगी। तो दोस्तों, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है ट्रेड की, उसके अनुसार गदर 2 को 3,500 स्क्रीन्स मिलने वाले हैं पूरे देश भर में, 3,500। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 3 दिन शेष है और ओएमजी 2 की एडवांस बुकिंग को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, बहुत कम एडवांस बुकिंग मिली है ओएमजी 2 को। तो मुझे लगता है कि कम से कम 4,000 स्क्रीन तक गदर 2 जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा, और जरूर जानी चाहिए। 4,000 स्क्रीन पूरे देश भर में जरूर मिलना चाहिए। 1,000 स्क्रीन इसको ओवरसीज में मिलने वाली है कम से कम, तो करीब 5,000 स्क्रीन पे ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हो सकती है, जो काफी अच्छा होगा। तो 4,000 स्क्रीन पे अगर फिल्म मिल जाती है, अभी तो जो ट्रेड की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो 3,500 से ज्यादा स्क्रीन गदर 2 को नहीं मिलेंगे। इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि जेलर और भोला शंकर जो साउथ की बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही है, तो साउथ में काफी बड़ी संख्या में ये दोनों तेलुगु स्टेट्स, तमिल स्टेट्स में ये दोनों फिल्में स्क्रीन लेके जाएगी, तो वहां पे गदर 2 और ओएमजी 2 को नाममात्र के स्क्रीन मिलेंगे, आप भी जानते हैं। और इन दोनों फिल्मों को जो हिंदी बेल्ट है वहां पे नाममात्र के स्क्रीन मिलेंगे, बहुत कम संख्या में स्क्रीन मिलेंगे, तो काफी बड़ी फिल्में रिलीज है। इसके अलावा दोस्तों, रोकी और रानी की प्रेम कहानी भी अभी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है, टिकी हुई है, तो कुछ स्क्रीन वो भी अपने पास रखेगी, कई शोज पे वो चलती रहेगी, 100 करोड़ पार कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर वो। तो यही कारण है कि गदर 2 को 3,500 शोज के बारे में ट्रेड लगा रहा है अनुमान इस समय, और मुझे लगता है कि 4,000 तक अगर चली जाती है तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक ओएमजी 2 की बात करें, तो ओएमजी 2 कम से कम 2,500-2,500 स्क्रीन तो कम से कम लेने वाली है, लेकिन ये संख्या 2,800-3,000 तक भी जा सकती है, डिपेंड करेगा किस प्रकार की एडवांस बुकिंग आने वाले 3 दिनों में है। तो इन 3 दिनों पर ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है। अगर गदर 2 की एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ेगी भी मुझे पूरी उम्मीद है, शोज भी बढ़ेंगे, तो फिर दोस्तों गदर 2 4,000 स्क्रीन तक जा सकती है। और इस हिसाब से जो कलेक्शन है गदर 2 का, डेफिनेटली 30 करोड़ प्लस होने वाला है, 30 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन तो डेफिनेटली है। 30 करोड़ से कितना ऊपर जाती है ये डिपेंड करेगा जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, जो वहां पे जो ऐसे लोग होते हैं जो एडवांस बुकिंग ज्यादा नहीं कराते हैं और सीधे पिक्चर देखने के लिए जाती है, तो वहां पे गदर 2 का जो क्रेज है वो इतना जबरदस्त है कि लोग वहां पे ओएमजी 2 को मतलब स्क्रीन भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मल्टीप्लेक्स में लगभग बराबरी का मुकाबला तो नहीं बोल सकते, गदर 2 मल्टीप्लेक्स में भी ज्यादा स्क्रीन लेगी और सिंगल स्क्रीन पे तो लेने नहीं है। तो गदर 2 और ओएमजी 2 के स्क्रीन में डेफिनेटली 500-700 स्क्रीन का कम से कम फर्क रहने वाला है। और कलेक्शन में मैंने बताया कि ओएमजी 2 का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो करीब 7-8 करोड़ का भी प्रेडिक्शन आ रहा है, क्योंकि एडवांस बुकिंग ज्यादा नहीं हुई है। देखते हैं इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी आती है, मुझे लगता है 2-3 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग इसकी 11 तारीख पहले नहीं हो पाएगी। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।